आपको कोई YouTube चैनल है, आप उस पर वीडियोज अपलोड करते हैं लेकिन उस पर कोई व्यूज नहीं आ रहे या सब्सक्राइबर आपके गेन नहीं हो रहे। ऐसे में गाइज आप कई बार फंस जाते हैं सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर लिंक्स में, जो कि एप्स हो सकती हैं या फिर कोई साइट हो सकती है गाइज। वहां पे आपको रुपए पे करना पड़ता है एंड आपकी वीडियोज प्रमोट होती हैं, जैसा तैसा आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आप कई बार आप सर्च करते हैं यूट्यूब पे ही कि कोई आपकी वीडियो प्रमोट कर दे ऐसे चैनल्स, और डेली रूटीन बेस पे कोई ना कोई अपलोड करता ही रहता है कि भाई मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूंगा। चलिए मान लेते हैं, ऐसे में क्या है ना कि आप कई बार ऐसे भी लोग पाएंगे जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रखेंगे 100 का 200 का, और एडमिन खुद खुद रहेंगे। आप वहां पे जाएंगे, ऐड होंगे, आपकी वो वीडियो पोस्ट नहीं करेंगे बल्कि अपनी खुद की वीडियो पोस्ट करेंगे, और आप जितने भी लोग रहेंगे ऑडियंस बन के रह जाएंगे। कहने का मतलब ये गाइज, सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर या फिर मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगा, ये बिल्कुल सरासर स्कैम है। आप इसके चक्कर में ना रहें, आप ऐसी कंटेंट बनाएं जैसे मैं कंटेंट बना रहा हूं। मुझे पता है अच्छे खासे व्यूज आ जाएंगे, नहीं भी आएंगे दूसरी वीडियोज पे आएंगे। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए, आप अपना कंटेंट देते रहिए, बजाय इसके कि आप ऐसे ट्रैप में फंसे सब्सक्राइबर फॉर सब्सक्राइबर या फिर मैं आपका चैनल प्रमोट करूंगा। ऐसे में जो भी आपको सब्सक्राइबर्स मिलेंगे ना, वो एक ना एक बार छोड़ के जाएंगे जाएंगे। कई तो ऐसे होते हैं जो आपका उस टाइम पे सब्सक्राइब कर लेंगे लेकिन बाद में छोड़ के चले जाते हैं। सो गाइज आप इन ट्रैप में मत फंसिए, और जितने भी आपके ऑडियंस है या फिर अगर नहीं भी है तो आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, और जो मैंने कुछ प्रीवियस वीडियो में बताया है किस तरह से आप गेन कर सकते हैं ऑडियंस, आप उन टर्म्स को उन कीवर्ड्स को आप ध्यान रखिए। आगे मैं और ऐसी वीडियो चलाता रहूंगा। थैंक्स फॉर गाइज।